ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे डाटाबेस के आधार पर शानदार ग्राफ का निर्माण किया जा सकता है। तो आओ चले ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में कितने प्रकार के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। हम जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम अट्रैक्टिव तरीके से, आकर्षक तरीके से उसका डाटाबेस को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप डाटाबेस को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और इस प्रेजेंटेशन का प्रयोग अधिकतर बिजनेस में प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है, या स्कूलों में छात्रों को इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में डाटा के आधार पर उसको प्रेजेंटेशन को कैसे आकर्षक बनाना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैथ्स में भी स्टूडेंट्स इससे सीख सकते हैं कि कैसे डाटा बनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो अब हम इसमें सीखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के टाइप्स के ग्राफ इसमें बनाए जा सकते हैं, और हम ये सारे जो ग्राफ हैं आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें दो तीन वीडियो के अंतर्गत ये सारे आपको ग्राफ सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे ये कमांड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इमेज यहाँ पे दे रखी है, इसमें पाई डायग्राम बनाया जा सकता है, बार डायग्राम बनाया जा सकता है, इसमें लाइन डायग्राम बनाया जा सकता है, इसमें हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है, 3D कॉलम बनाया जा सकता है, और बहुत आकर्षक टाइप के 3D और 2D इसमें ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक शीट ले लेते हैं। जैसे मैंने एक शीट यहाँ पे ले रखी है पहले से ही, स्टूडेंट मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट और यहाँ स्टूडेंट्स इन मार्क्स। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाएंगे। तो एक्सेल में कहाँ पे बार डायग्राम होता है, जब हम इंसर्ट क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ये जो मेन्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे हमारे चार्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे आपने ये देखा, ये पाई से संबंधित है, 2D पाई चार्ट है, ये 3D है, और ये राउंड फिगर वाला चार्ट है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन से संबंधित ग्राफ्स हैं, 3D लाइंस हैं, 2D लाइंस हैं, 3D एरिया वाले इसमें हम लाइंस ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर, 2D टाइप का बनेगा, यहाँ पे 3D टाइप का कॉलम वाले बार डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे 2D टाइप का बार डायग्राम और यहाँ पे 3D टाइप का बार डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे और भी इसके नए नए टाइप के फॉर्मेट इसमें हो सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इस तरह का ट्री मैप भी इसमें बनाया जा सकता है, सन ब्रश टाइप का मैप भी इसमें बनाया जा सकता है। इसके बाद वाटरफॉल टाइप का भी हम इसमें कई प्रकार के आकर्षक डिज़ाइन वाले ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे वो भी चार्ट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को और अच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे 3D मैप भी दिया हुआ है जो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी दे रखे हैं, ये हिस्टोग्राम टाइप का भी हम इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो हिस्टोग्राम प्लस लाइन, ये दोनों एक साथ हैं, इसको भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सरफेस वाला, सरफेस टाइप का भी हम इसमें चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये कई सब प्रकार हैं, रेडार टाइप का चार्ट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके बाद ये डॉटेड स्कैटर बोलते हैं, तो स्कैटर हमारे पॉपुलेशन आदि के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं एक्सेल में। तो अब इसको बनाएंगे कैसे हम, सबसे पहले हमने जब यहाँ पे डेटा बनाया, डेटा में हमने यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं। अब हमें जब सबसे पहले इसमें चार्ट बनाने, तो रिकमेंड चार्ट्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, इससे हमें बता देता है कि कौन सा चार्ट इसके लिए बेहतर रहेगा। ये भी एक ऑप्शनल है,
जरूरी नहीं कि आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये एक बेहतर चार्ट बनाने को आपको सजेस्ट कर सकता है। तो आप सबसे पहले इसके फील्ड को सिलेक्ट करिए ऐसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल दो ही डेटा हैं इस समय, तो हम दो फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और रिकमेंड चार्ट्स को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिकमेंड चार्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ये वाला चार्ट है, कॉलम वाला। ये भी बन सकता है, इस तरह भी हम प्रेजेंटेशन कर दे सकते हैं, पाई वाला भी बन सकता है, और ये आपका हिस्टोग्राम प्लस लाइन ग्राफ दोनों भी बन सकता है। तो चार इसने रिकमेंड किए हैं, तो हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑल चार्ट्स में भी हम इसको देख सकते हैं कि ऑल चार्ट्स में भी ये किस प्रकार दिखाई देगा। तो हम पहला वाला ले लेते हैं, रिकमेंड्स वाला, ये वाला सिंपल ले लेते हैं। इसको जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये चार्ट है जो हमारा इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लिया, इसमें हमारे सबसे कम 0 से लेकर हम 100, जो हमारे 99 मार्क्स है, यहाँ पे 99 तक आएगा, 120 इसने अपने आप लिया है। इसके बाद सारे बच्चों की फील्ड यहाँ पर आ जाएगी नीचे, और इसको बोलेंगे टाइटल, इसको टाइटल बोलेंगे, टाइटल चार्ट। और ये हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल एक्सिस बार को का, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा इधर। ये प्लस का चिन्ह है, इसमें भी तीन हमारे पास महत्वपूर्ण यहाँ पे कमांड है। तो पहले प्लस चिन्ह में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक्स एक्सिस हमारा सिलेक्ट हो ही रखा है, एक्स एक्सिस टाइटल हमारा सिलेक्ट नहीं हो रखा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जैसे टाइटल यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्क्स, यहाँ पे हम मार्क्स लिख देंगे, और इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम्स। तो आपने देखा कि हमने y एक्सिस और x एक्सिस के नाम दे दिए हैं। इसके बाद फिर हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर ये प्लस का चिन्ह ओपन होगा। डाटा लेबल, अभी ये केवल ये दिखा रहा था कि ये लाइंस बनी हुई थी, लेकिन आप देखना चाहते हो कि जैसे अंजलि ये 33 मार्क्स हैं, तो ये यहाँ पे मार्क्स भी दिखाए, तो इसको डाटा लेबल बोलेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है, सभी बच्चों के यहाँ पे मार्क्स ये दिखा रहा है। तो ऐसा चार्ट भी हम बना सकते हैं। उसके बाद है डेटा टेबल, इसकी हमें आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है, आपके पास बहुत बड़ी शीट है जो बड़ा कहीं पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, तो वहाँ पे आप अलग अलग ना बना के इसी टेबल को नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टेबल यहाँ पे आ जाएगा, ये सारे स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, उनके मार्क्स आ जाएंगे, वो ऊपर इस तरह दिखा देगा हर बच्चे का, 33, 50। तो ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको बड़े चार्ट पे बनाएंगे। इसके बाद है एरर बार, इसको भी हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एरर बार दिखा रहा है, यहाँ से लाइन से ऊपर प्रिंट होके दिखा रहा है मार्क्स। तो इसके बाद देख ग्रिड लाइंस, यहाँ पे लाइंस जो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं तो लाइंस भी आ सकती है, इससे मेजर करना आसान हो जाता है कहाँ पे 100 मार्क्स है, कहाँ पे 80, कहीं पर 60। तो इसको भी हम दिखा सकते हैं अगर हमें इसकी आवश्यकता है। इसके बाद है लेजेंड, लेजेंड की हमें अभी आवश्यकता नहीं, इसकी ज़्यादा जरूरत तब पड़ती है जब हम कंपैरेटिव दो डाटा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि एक ही फील्ड है, इसको हम लेजेंड, यहाँ पर जो ये दिख रहा है लेजेंड, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो लेजेंड दिख रहा है जो हमें इसी वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, तो इसकी अभी आवश्यकता हमें नहीं है। ट्रेंड लाइन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि जो आपका मार्क्स हैं बच्चों के, वो लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब पहले से प्रोग्रेस है। अगर ये ऊपर से नीचे को आएगा इसका मतलब प्रोग्रेस कम है, इसमें प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है बच्चों की। तो ये भी हम इसमें दिखा सकते हैं अगर हमें इसकी आवश्यकता है। तो ये था चार्ट्स एलिमेंट्स पहला वाला, प्लस जो हम अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम कई प्रकार के इसमें चार्ट दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, देखिए ये इस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। आपने देखा कई प्रकार के हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जो भी इसमें आपको अट्रैक्टिव लगे उसको आप यहाँ पर आसानी से उसको कर सकते हैं। इसके बाद कलर हैं इसमें, जैसे आपने अभी हम स्टाइल में आ गए तो हम सिंपल वाला ही स्टाइल रखते हैं। इसके बाद कलर भी हैं, कलर आप इसको अपने थीम के अनुसार कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑरेंज कलर हो गया,
यहाँ पे आपको देख रहा है ग्रीन कलर हो गया, तो ये पहला वाला डिफॉल्ट ले रहा है। अगर इसमें और भी बार होते तो ये अलग अलग कलर के यहाँ पे आपको दिखाई देते, तो ये कलर है। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर में अपने ज़रूरत के अनुसार से, अगर आपको चाहते हैं कि मेरे को सभी बार प्रिंट नहीं करना, मैं कुछ ही बच्चों के बार प्रिंट करने हैं, तो यहाँ से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल हटा के आप इसमें जो जो चाहते हैं उसी का यहाँ पे आएगा, और इसको करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हमने 5 सेलेक्ट किए तो 5 ही बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको कस्टमाइज भी ग्राफ को अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऑल कर लेते हैं, इसको हटा के सिलेक्ट ऑल, तो ये पूरे सेलेक्ट हो गए और इसको हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम सेलेक्ट डेटा के आधार पर भी, हम यहाँ पर जो हमारा सेलेक्ट डेटा सोर्स है उसके आधार पर भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ पे फिल्टर है तो इसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और ज़्यादा यहाँ पर ग्राफ को चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऊपर भी यहाँ पर हमें जो ये मेन्यू बार है यहाँ पर भी इसके बारे में आता जा रहा है। तो जैसे यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो पसंद है उसके अनुसार आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप देख कलर चेंजेस यहाँ पे भी हैं, जो वहाँ पे मेन्यू में यहाँ पे खुले थे वो यहाँ पे भी हैं, तो हमने ऑरेंज ले लिया। जो कलर आपको चाहिए वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम एक चार्ट बना सकते हैं और कैसे हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। साथ साथ आपने देखा कि वाइट कलर का आप चाहते हैं कि इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर दूं, तो आप होम में जाकर इसको बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको आपको अगर ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, आप येलो चाहिए, रेड चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन में जाकर, फॉर्मेट में जाकर, यहाँ पर जाकर ये चुन के, यहाँ पर जैसे आपने लाइट येलो ले लिया या आपने ब्लू ले लिया, आप कोई भी कलर यहाँ से चुन सकते हैं, लाइट कलर। तो जैसे हमने ये चुन लिया तो ये बैकग्राउंड इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे हम इस चार्ट को सेव करेंगे और कैसे हम इस चार्ट को कहीं और मूव करेंगे, जिससे हम इसका चार्ट का अपने प्रेजेंटेशन में प्रयोग कर सकें, और साथ में और नए चार्ट यहाँ पर हम बनाएंगे। ये एक सिंपल सा चार्ट था, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।